नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वामीनारायण संप्रदाय कवियों विषय श्रृंखला में आज आप स्वामी मुक्तानंद और स्वामी निष्कुणानंद विषे बहु टूंक में बात करीशु। पूर्वाश्रम में मुकुंददास नामे ओळखाता स्वामीनारायण संप्रदाय कवि मुक्तानंद स्वामी समय है ईस्वीसन 1761 थी 1830। तेओ मूळ ध्रांगध्राना वतनी हता। 13 वर्षनी नानी वये जीवन में वैराग्य उपजता स्वामी रामानंदना शिष्य बनी अने तेओ मांगरोळ पासेना लोहेज गाम में आवीने वस्या हता। शुरुआत में प्रथम तो तेओ स्वामी सहजानंदना गुरु भाई हता, पण पछीथी तेओ स्वामी सहजानंदना शिष्य बनेला। पोताना पूर्वश्रमनु नाम मुकुंददास होवाथी एमणे पोतानी प्रथम कृतिनु नाम ए नाम उपरथी मुकुंद बावनी एवुं राखेलुं। मुकुंद बावनीनो मुख्य विषय ए गुरुभक्ति अने वैराग्य बोधनो छे। मुकुंद बावनी उपरांत एमणे धर्माख्यान, उद्धव गीता, सती गीता, धाम वर्णन चातुरी, कृष्ण प्रसाद, रुक्मिणी विवाह वगैरह रचनाओ आपी छे। आ बधामां तेमने कवि तरीकेनो यश अपावनार जे कृति छे ए कृति छे उद्धव गीता। 108 कड़वा अने 27 पदनी आ रचनामां वच्चे 25-47 नंबरना जे कड़वा छे एमां एमणे श्री राम द्वारा थयेला सीताना निर्वासननी एटले के सीताना त्यागनी कथा एमणे निरूपी छे। आ प्रसंग एमणे खूब ज वैधक रीते निरूप्यो छे। सीताना त्यागनी अने गोपीओना कृष्ण विरहनी कथामां भक्ति मिश्रित करुण रसनुं निरूपण कृतिने खूब ज सुंदर अने रसमय बनावे छे। सती गीतामां स्त्री धर्मनो खास करीने विधवाओने परमात्मा प्रति पोतानु मन वाळी पवित्र जीवन गाळवानो बोध करेलो छे। आ उपरांत स्त्रीओना सती, विधवा, कुलटा एवा विभागो पाड़ी दरेकना लक्षणों दर्शाव्या छे। आ कृतिमां तेमणे विधवाओने पुनर्लग्ननी छूट होवी जोईए एवा सुधारावादी उमदा विचारों पण दर्शाव्या छे। वैधव्यने कुदरत दत्त आपत्ति मानी प्रभु भक्तिमां संयमित रीते शेष जीवन वीतावी जीवन सफळ बनाववानो मार्ग दर्शावी हताशा अने दुःखथी वेड़फाई जता स्त्री जीवनने आदरपात्र बनाववानो सुंदर प्रयास कर्यो छे। चारित्र्य शुद्धिनी भावना ने लई स्त्री संघनो निषेध दर्शावता आ संप्रदाय में स्त्री उन्नतिना मार्गो दर्शावी समाज में स्त्रीनु आदरणीय स्थान अपाववानो जे प्रयत्न थयेलो छे तेमां मुक्तानंद स्वामीनी कवितानो नोंधपात्र फाळो छे। मुक्तानंद स्वामीनु पोढ़े प्रभु सकळ मुनि के श्याम जेवुं शयन वखतनुं पद तेमज जय सदगुरु स्वामी नामनु भावसबर पद आजे पण मंदिरों में गवाय छे। सहजानंद स्वामीनो ना जीवननु दिव्य लीला चित्र तेमणे धर्माख्यान नामना ग्रंथ में आलेख्यो छे। आ कविनी कवितानो गुण ए प्रसाद गुण छे। एमनी भाषा सरल अने संस्कारी छे। पद लालित्य, शब्द सौंदर्य અને અર્થ ગાંભીર્ય ધરાવતી તેમની કેટલીય રચનાઓ તેના રુજુ ભાવને કારણે સંપ્રદાયમાં પ્રિય થઈ પડી છે અને મુક્તાનંદ સ્વામીની અનેક પદ રચનાઓ આજે પણ મંદિરોમાં ગવાઈ રહી છે જે મુક્તાનંદ સ્વામીની સફળ પદ કવિ તરીકેની જે સિદ્ધિ છે એ દર્શાવી જાય છે। એ પછી
ना कवि छे निष्कुळानंद स्वामी। ईस्वी सन 1766 थी ईस्वी सन 1848 दरमियान, ईस्वी सन 1766 थी 1848 दरमियान थई गयेला निष्कुळानंद स्वामी कच्छना वतनी अने ज्ञातीय विश्वकर्मा ब्राह्मण हता। श्री सहजानंद स्वामीए कच्छनी यात्रा में भौमिया तरीके एमने पोतानी साथे राखेला अने अधोई गाम में, कच्छना अधोई गाम में तेमने दीक्षा आपवामां आवेल अने त्याज पूर्वाश्रमना लालजी सुतार नामे ओळखाता व्यक्ति ने निष्कुळानंद एवं नाम आपवामां आव्युं। चोटदार वाणी में वैराग्यनो उपदेश ए तेमनी संत कवि तरीके की विशिष्टता। तेमणे विशेष जेटला काव्य ग्रंथों अने 3000 जेटला पदों रचा होवानुं मानवामां आवे छे। भक्त चिंतामणि, धीरजाख्यान, भक्ति नीति, वचन विधि वगैरे कृतिओमां तेमनी अचल श्रद्धा अने भक्तिना आपणने दर्शन थाय छे। तेमनी कवितानो प्रधान सूर वैराग्यनो छे। त्याग न टके रे वैराग्य विना, करिए कोटी उपाय जी, अथवा तो जंगल वसाव्यू रे जोगीए, तजी तनडानी आश जी, अथवा जननी जीवो रे गोपी चंदनी, पुत्र ने प्रेरियो वैराग्य जी वगैरे पदों तेमना अतिशय लोकप्रिय निवड्या छे। तेमणे धीरजाख्यान नामनी एक 65 कड़वा अने 16 पदनी कृति लखेली छे, जेमां पण मुख्यत्वे भक्तिबोध अने वैराग्यनुं निरूपण करवामां आव्युं छे। 65 कड़वाना नी आ जे कृति छे एमां प्रहलाद, ध्रुव, हरिश्चंद्र वगैरे जेवा 16 जेटला भक्तोनी जुदी जुदी रीते ईश्वरे करेली कसोटी अने ए कसोटी ने अंते ए भक्त ने मळेली सफलता एनु वर्णन करती जुदी जुदी चरित्र कथाओ निरूपवामां आवी छे। वैराग्य उपरांत साचा संतो शोक अने मोह मायाथी कई रीते वेगळा रही आपणा संतापने टाळे छे ते दर्शावतुं ए दृष्टांत जे छे जोई आपणे तो। जेम भमरी भरे चटको पलटवा एल्यनुं अंग, जेम भमरी भरे चटको पलटवा एल्यनुं अंग, तेम संत वचन कटु कहे आपवा आपणो रंग। आपणो रंग आपणे आपवा माटे संत कदाच कटु वचन कहेता होय तो एनी पाछळ पण आपणुं ज भलुं ए इच्छता होय छे। तो खूब सरस रीते संतनी पण आ जे संतनो महिमा छे ए रीते आपणे सामे एमणे मूक्यो छे अने ए रीते सरळ उदाहरणों अने सरळ भाषा थकी निष्कुळानंदना पदों लोकोमां मुक्तानंदनी जेम ज खूब ज प्रिय થઈ પડ્યા છે। બસ આજે આટલું, ફરી મળીશું, આભાર।